इस वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी पार्ट टू, और इसमें हम जानेंगे फोर स्फीयर्स ऑफ अर्थ यानी कि हमारी धरती के चार मंडलों के बारे में। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारी धरती पर हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के पास के क्षेत्र को चार अंतर जुड़े भू क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि कार्बन चक्र बनाते हैं। ये चार स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और लास्ट एटमोस्फीयर। दोस्तों, यहाँ स्फीयर का अर्थ तो घेरना है, और साथ ही लिथोस्फीयर में लिथो शब्द का मतलब है रॉक या मिनरल। हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो मतलब पानी, उसके बाद बायोस्फीयर जीवन से जुड़ा है, और लास्ट एटमो का अर्थ भाप और वाष्प से है। चलिए दोस्तों, इन चारों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पहले हैं लिथोस्फीयर। ऐसा माना जाता है कि लिथोस्फीयर लगभग 4.6 बिलियन साल पहले विकसित हुआ, और ये ठोस चट्टानी क्रस्ट से संबंधित है जो कि हमारे पूरे ग्रह को कवर करती है। ये ठोस चट्टानी क्रस्ट कई अलग अलग चट्टानों से बनी होती है, और जिन्हें हम इनके बनने की प्रोसेस के आधार पर तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी मेटामॉर्फिक चट्टाने, जो कि ग्रीक शब्द मेटा जिसका मतलब होता है बदलना, और ये चट्टाने पहले से मौजूद चट्टानों पर गर्मी और या फिर दबाव से बनती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं मार्बल्स, क्वार्ट्जाइट, इनके अलावा ये सारी। उसके बाद है इग्नियस रॉक्स, और जैसे कि इग्निस का लैटिन में मीनिंग होता है आग, यानी कि आग्नेय चट्टाने। और दोस्तों, ये गर्म पिघली हुई चट्टान के ठंडे होने से बनती हैं, जिसे मैग्मा भी कहा जाता है। ये गर्म मैग्मा ठंडा होकर सख्त होने लगता है, और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो इसे एक अग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ये देखिए। और इनकी एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो, बसाल्ट एक्सेट्रा। लास्ट हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि तलछटी चट्टाने, और ये पहले से मौजूद चट्टानों से बनती हैं। जब पहले से बनी चट्टाने अन्य गंदगी, मिट्टी और कणों के साथ घिसती हैं और उनमें मिक्स होती हैं, तो ये एक साथ मिलकर तलछटी चट्टान बनाती हैं, जैसे कि ये देखिए। जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, जिप्सम एक्सेट्रा। इनके अलावा दोस्तों, लिथोस्फीयर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न लैंडफॉर्म जैसे कि पहाड़, घाटियां, चट्टाने, खनिज और मिट्टी शामिल हैं, और सूर्य, हवा, बर्फ, पानी और रासायनिक परिवर्तनों जैसे बलों और दबावों के कारण लिथोस्फीयर लगातार बदल रहा है। मुख्यतः पृथ्वी की सतह दो प्रकार के लिथोस्फीयर से बनी है, पहली ओशियनिक यानी कि महासागरीय, और दूसरी कॉन्टिनेंटल मतलब कि महाद्वीपीय। इनमें महासागरीय लिथोस्फीयर में समुद्र के अंदर मेंटल की ऊपर की परतें शामिल हैं, जो एक पतली परंतु भारी परत के साथ सबसे ऊपर हैं, और ये वह जगह है जहां जल मंडल और स्थल मंडल मिलते हैं, यानी कि ये जगह। जबकि कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में मेंटल की ऊपर की परतें शामिल हैं, जो परत मोटी तो है परंतु हल्की और सबसे ऊपर है। और दोस्तों, ये वह जगह है जहां
वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल स्थल मंडल में मिलते हैं, यानी कि ये दूसरा स्फीयर है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। दोस्तों, जलमंडल में पृथ्वी के पर्यावरण में सभी प्रकार के पानी शामिल हैं, फिर वो चाहे महासागर के रूप में हो या झीलें, नदियां, हिम और ग्लेशियर के रूप में। इतना ही नहीं, पृथ्वी की सतह के नीचे का पानी और तो और वायुमंडल में पाए जाने वाले जल वाष्प जैसी चीजें भी शामिल हैं। और दोस्तों, नदियों, नालों और समुद्र तट में पानी की गति और प्रवाह के माध्यम से जलमंडल हमेशा गति में रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पौधे और पशु जीव अपने अस्तित्व के लिए जलमंडल पर निर्भर हैं, क्योंकि हम सभी के लिए पानी आवश्यक है। जलमंडल कई पौधों और जानवरों का घर भी है, और ये माना जाता है कि जलमंडल पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद है बायोस्फीयर, यानी कि जीवमंडल। दोस्तों, ये सभी जीवित जीवों से बना है, जिसमें शामिल हैं पौधे और पशु, और ये माना जाता है कि जीवमंडल में सभी जीवन मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा जीवित जीव जमीन की सतह से 3 मीटर नीचे से लेकर 30 मीटर ऊपर और समुद्र के अंदर 200 मीटर तक पाए जाते हैं। लास्ट है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं, मेरा मतलब है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल से मतलब उस हवा से है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वातावरण हमेशा गति में है और लगातार बदल रहा है, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि लगभग 14 विभिन्न गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल को बनाती हैं। एटमॉस्फेयर को भी आगे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, और इनको याद करने की ट्रिक है द मोस्ट। और दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रखें, द जिसमें स्पेलिंग है THIE, और ये बना है थ यानी कि थर्मोस्फीयर, उसके बाद आई से आइनोस्फीयर और लास्ट ई से है एक्सोस्फीयर। और दोस्तों, जैसे कि एक्सो का मतलब होता है आउटर, तो ये सारी लेयर्स में एक्सोस्फीयर सबसे बाहर है, मतलब इनका क्रम हुआ एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर और उसके अंदर थर्मोस्फीयर। इनके बाद एम से मेसोस्फीयर, ओ ओजोनोस्फीयर के लिए, एस स्ट्रेटोस्फीयर और लास्ट टी ट्रोपोस्फीयर के लिए है, जो कि सबसे अंदर की परत है। धन्यवाद दोस्तों, ज्योग्राफी के इस भाग में इतना ही। आगे की वीडियोस में हम इन सभी लेयर्स को अलग अलग देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।